नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के मलाड पश्चिम में बन रहे बीएमसी के बिल्डिंग से गिरकर गुरुवार की सुबह एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद पूर्व नगर सेवक सिरिल डिसोजा ने मलाड पुलिस थाने का घेराव किया और इस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं करने का पुलिस पर आरोप लगाया। सिरिल डिसोजा ने कहा कि हमने मलाड पुलिस को एक खत लिखा है और उसमें बीएमसी के इंजीनियर, बीएमसी के ठेकेदार के साथ साथ उन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन पर कार्रवाई की मांग की है जो इसमें शामिल हैं। अगर मलाड पुलिस या मुंबई पुलिस इस दुर्घटना मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो हम इस मामले को कोर्ट तक लेके जाएंगे। वहीं बता दें कि मलाड पुलिस ने कहा कि इस मामले में हमने शिकायत दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। लोग जो कल जो दुर्घटना हुई बीएमसी के पी नॉर्थ में, जो बिल्डिंग का काम चलो, 7 माले का 8 माले का जो काम चालू है, वो टॉप फ्लोर के ऊपर से कल मजदूर की गिर के मौत हो गई है। और हम लोग जो पुलिस स्टेशन में आए कि भाई, इसलिए हम लोग आए थे कि इसके अंदर कितने लोगों पे मनुष्य वध का जो गुना दाखिल होता है 304 कलम के अनुसार, वो किस किस के ऊपर लिया गया है, कि किस पे बचाया गया है, किसके ऊपर केस हो रहा है, किसको बचाया जा रहा है, हम पूछने आए थे। तो हमको मालोनी पुलिस के सीनियर ने ये कहा, मलाड पुलिस के सीनियर ने हमको ये कहा कि हमने 304 कलम के अनुसार हमने जो कंपनी है, कंपनी के मालिक के ऊपर हमने वो गुनाह दाखिल किया है और वो कंपनी ने एक सुपरवाइजर को नेमा था, निमुक किया था, सुपरवाइजर को देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया था, उसके ऊपर एक गुनाह दाखिल किया है। लेकिन हमने सीनियर साहब को ये बोला कि एक्चुअल में जब एक कंपनी टेंडर भरती है, तो जब एक कंपनी अगर टेंडर भरती है तो टेंडर में एक टर्म एंड कंडीशन होता है और उसके अंदर एक्सीडेंटल डेट का भी एक पॉलिसी होती है, जिसमें करीबन एक इंजीनियर होना चाहिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर होना चाहिए जिसको 25 साल का पुराना तजुर्बा होना चाहिए, और वो इंजीनियर के नीचे 2 इंजीनियर एक्स्ट्रा होना चाहिए, और वो इंजीनियर कम से कम 24 आवर्स देख रेख करने की जवाबदारी वो इंजीनियर की होनी चाहिए। तो वो इंजीनियर पर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए, उसके साथ साथ जो आर्किटेक्ट के नीचे 2 इंजीनियर हैं उन पर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि बीएमसी के जो कर्मचारी है, बीएमसी के डिपार्टमेंट के गंदोली में इनका डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, वहाँ पे बैठे हुए असिस्टेंट इंजीनियर जो है और जूनियर इंजीनियर, उन पे भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये हमने मांग की है और हमने पत्र दिया आज उनको कि भाई, हमारी मांग है कि अगर ये नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं कल माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे को भी पत्र लिख रहा हूँ, उसके साथ माननीय हमारे महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी जी हमारे हैं, उनको भी मैं पत्र लिख रहा हूँ, और मुंबई की महापौर है किशोरी पेंडनेकर, मैं उनको भी पत्र लिख रहा हूँ कि इसमें उचित जांच की जाए और जांच करने के बाद इसमें जो जो अधिकारी दोषी पा रहे हैं उन सब के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने 7:45 कल शपथ विधि ली और यहाँ पे कल 11:30-12 एक मजदूर की गिरकर मृत्यु हो गई है, तो बीएमसी की कितनी बड़ी लापरवाही है। मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ, उद्धव साहब जी, मुंबई महानगर पालिका आपके पास है, मुंबई महानगर पालिका की पूरी जवाबदारी आपके पास है, तो मुंबई महानगर पालिका में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, तो एक मजदूर की जान जा रही है। जब महाराष्ट्र में किसान मरता है तो आप चिल्लाते हो किसान मर गया, किसान को न्याय दिलाओ, तो माननीय उद्धव साहब जी, इधर भी एक मजदूर गिरा है, एक मजदूर की मौत हुई है, आपकी बीएमसी, आपके बीएमसी के अधिकारियों की लापरवाही। तो मैं ये देखना चाहता हूँ उद्धव साहब जी, आप और आपके महापौर जो महानगर पालिका में बैठे, अब ये किसके ऊपर जांच करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कौन से जांच के आदेश आप देंगे, और जांच के आदेश देने के बाद कितने अधिकारी को आप दोषी पकड़ेंगे इसके अंदर। अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होगी तो हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, महानगर पीयूष विभाग कार्यालय पे हम बड़े पैमाने पे मोर्चा और धरना देंगे। अगर उसमें भी निकष नहीं निकला, उस पर भी अगर निकष नहीं निकला, तो हम मुंबई हाई कोर्ट तक हमारे वकील को लेके हम हाई कोर्ट से इसकी जांच मांगेंगे और हाई कोर्ट में इसका दरवाजा हम खटखटाएंगे। एफआईआर दर्ज हुई है खाली कॉन्ट्रैक्टर जिसने टेंडर लिया था और उसके सुपरवाइजर बोले तो कौन, जो उधर माल आना जाना
ये सब चीज़ की देखभाल करता है, उसके ऊपर काई की जिम्मेदारी? आदमी मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी, क्या रोल है उसका? खाली माल आया गया वो ध्यान रखना, काम कितना हो रहा है कैसा हो रहा है वो ध्यान रखना। एक्चुअल में इसमें जो FIR होनी चाहिए थी वो BMC के ऑफिसर्स जो उधर फुल टाइम आर्किटेक्ट और इंजीनियर अपॉइंट हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उधर सेफ्टी मेजर्स वर्कर लेके चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, उन सब का उनका काम होता है कि उनका ध्यान रखे। ये सब चीज़ इधर अवॉइड हुई है, ये सब चीज़ों पे इधर ध्यान नहीं दिया गया, तो उन लोगों पे FIR होनी चाहिए थी। प्लस ये सब चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, ये सब महानगर पालिका BMC के इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है ये सब चीज़ देखने की कि वर्कर्स बरोबर सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उधर जो इंजीनियर है नहीं है ऑफ साइट पे, आर्किटेक्ट है नहीं है, ये तो राम भरोसे काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ों पे इन पे भी FIR होनी चाहिए थी जो इधर नहीं हुई है। आप किस तरह से प्रेशर डालेंगे अगर इन लोगों पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इनको आरोपी नहीं बनाया जाता है तो हम लोग हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे और हाईकोर्ट से मांग करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो जो लोग इसमें बच गए हैं मैनेज करके उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हमारे यहाँ पे हादसा हो गया था, एक लड़का BMC का जो बिल्डिंग बन रहा है लिबर्टी गार्डन में, वहाँ पे 10वें माले से गिर गया था, तो वो हादसे के लिए हमने गुना रजिस्टर किया है 501 नंबर सदोष मनुष्यवध का। उसमें जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर प्राइम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के ऊपर और जो साइड के जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है और सुपरवाइजर है उनके ऊपर गुना रजिस्टर किया है, एक आरोपी को अरेस्ट किया है, तपास चालू है।